हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रैंक एंड नल्टी फाइंड करने से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मेनली हम लोग का फोकस रहेगा क्वेश्चन करने पर और कौन से टर्म्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, है ना। हालांकि शायद किसी ने वीडियो देखा हो, किसी ने ना देखा हो, इसके लिए सिंपल सी चीज़, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रैंक एंड नल्टी ऑफ गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ डिफाइंड From R2 to R3 over the field F. Oh, sorry, real number means R. And the transform define as T x comma y. मतलब आप R2 का कोई भी element x comma y इस पे डालेंगे, तो वो हमें result कैसा देगा? X plus y, x minus y comma y. इस तरीके से वो उसको linearly transform कर देता है। तो इसी questions की हमें rank and nullity निकालनी है। देखिए, basically ये objective के लिए बहुत important question है। Descriptive में भी आता है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप BHU के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा। आप मेरे ख्याल से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, तो आप 3 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, ये हो जाएगा। 6 मार्क्स भी हो सकते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मुझे जिसका एक्सपीरियंस है उसका मैंने क्लियरली बता दिया, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हर जगह के लिए है। फिलहाल इससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड रैंक नल्टी थ्योरम उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट्स, व्हाट इज अ नल स्पेस, व्हाट इज अ रेंज स्पेस, व्हाट इज अ नल्टी, व्हाट इज अ रैंक, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन द प्लेलिस्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेंगी, हालांकि अभी जोड़ने की कोशिश हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि गिवन है कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R2 टू R3 एंड इट ट्रांसफॉर्म द एलिमेंट ऑफ R2 इन दिस फॉर्म। सिंपल सी चीज़ है, देखिए पहली चीज़ हमने कहा था कि जब आपको ऑब्जेक्टिव मिले तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इसका आप नल स्पेस निकाल लीजिए। नल स्पेस कैसे निकालना है? तो नल स्पेस मींस एनटी। एनटी क्या होता है? मतलब नल स्पेस ऑफ टी, यहाँ पर चाहे आप टी को मेंशन कर दीजिए, नहीं तो समझ तो आप जाते ही हैं। अच्छा, नल स्पेस ऑफ टी, व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ अ टी, या फिर कर्नल ऑफ अ टी क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं कि अगर टी इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, where V and W are vector spaces over same field, then the set of those elements in V, यहाँ पे V की जगह पे कौन है? तो यहाँ पर कहेंगे कि the set of those element in R2, मतलब element कहाँ के आएंगे? R2 के वो elements का set, which are mapped with the zero element of this R3, जो R3 के जीरो एलिमेंट से टी ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैप होंगे। मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज एलिमेंट इज द जीरो एलिमेंट ऑफ R3, दिस इज द जीरो एलिमेंट ऑफ R3, ये हम लोग का एज अ W बिहेव कर रहा है, ठीक। तो इसी डेफिनेशन से आपको नल स्पेस बनाना है, मतलब नल स्पेस में वो x कॉमा y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन को कौन से x y सेटिस्फाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो इफ एनी एलिमेंट इज ट्रांसफॉर्म अंडर टी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स कॉमा वाई, देन इट विल ट्रांसफॉर्म एज एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, वाई इक्वल होना चाहिए 0। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ R3, हाउ टू वी कैन इक्विलेट टू वेक्टर्स इन R3, तो उनके करेस्पॉन्डिंग्स जो ये हैं, क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ये मोचुअली इक्वल होने चाहिए। तो मींस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वाई। ये निकालना इजी पड़ता है, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था। क्यों? इससे क्या होता है कि हमें एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मिल जाता है, जिसके सिर्फ 2 तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आइदर इट विल ट्रैवल, या तो ये ट्रैवल होगा, और अगर ये ट्रैवल होगा तो हम जानते हैं कि एक्स वाई या फिर जितने भी सब होंगे सबकी वैल्यू 0 मिल रही होगी, और इट विल नॉन ट्रैवल, या तो वो नॉन ट्रैवल हो रहा होगा। तो नॉन ट्रैवल में कैसी भी मिल सकती है, वो वेरिएबल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट इक्वेशंस हैं और सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, 3 डिफरेंट इक्वेशंस हैं और सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। तो मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन का, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा मिलेगा? वो ट्रैवल मिलेगा। मीन्स आप अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, इतनी बड़ी थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है। वाई इक्वल टू 0, कहीं पे भी y की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन मिल सकता है, x कॉमा 0 एंड y कॉमा 0। तो मतलब नल स्पेस ऑफ t में
कौन से एलिमेंट आएंगे, दिस काइंड ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड विच आर एक्स वाई आर दिस काइंड, जीरो एंड जीरो। तो इसके नल्टी पे सिर्फ कौन एलिमेंट आया, जीरो। तो ये इसका ट्रैवल नल स्पेस है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन, जीरो कॉमा जीरो। और जिस वेक्टर स्पेस में सिर्फ जीरो एलिमेंट होता है उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी जीरो होती है। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब है कि इसकी नल्टी कितनी होगी, जीरो। तो हम लोग ने कहा था ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चंस करने के लिए सिंपली आप नल्टी निकाल लेंगे। देखिए इजिली निकालाई कि नहीं ये निकालाई नल्टी, क्या कोई टेंशन, बिल्कुल आप ये मत घबराइए कि कुछ टफ आ जाएगा, नहीं, ऐसा ही होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम बनेगा जिसे आप सीधे देख लेंगे और दो मिनट करने में लगेगा, सिंपल सी चीज। अब रैंक निकालना है तो आप रैंक नल्टी थ्योरम लगा दीजिए, विच इज स्टेट्स दैट इफ टी इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू डब्ल्यू देन द डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी। कहने का सेंस है कि अगर टी एक ट्रांसफॉर्म है फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू डब्ल्यू तो डायमेंशन ऑफ वी, जैसे यहां पर ट्रांसफॉर्म आर टू टू आर थ्री है तो डायमेंशन ऑफ आर टू, आर टू की डायमेंशन मतलब यहां लिख देते हैं आप समझते रहिएगा, टू इक्वल टू रैंक ऑफ टी जो कि हमें निकालनी है आर प्लस नल्टी ऑफ टी, नल्टी ऑफ टी कितनी है, जीरो। तो रैंक ऑफ टी कितना आ गया, रैंक ऑफ टी या फिर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इक्वल टू टू, सिंपली इस तरीके से हम लोग इसकी रैंक और नल्टी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक अलग हम लोग वो कर लेंगे जिसमें सिंपली यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दिया करेंगे। यहाँ पर हम एक तरीका और बता रहे थे कि जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आपसे कहेंगे कि इसकी रेंज स्पेस भी निकाल दो, या कह सकते हैं टफ नहीं बनेगा वो निकालना, थोड़ा सा अड़बंगा है, मतलब अड़बंगा क्या कहते हैं उसको, ऑड है, बट इतना टफ नहीं है कि आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है ना, वो टफ नहीं लगेगा, मतलब जो क्वेश्चन देंगे उसमें इजिली निकल रहा होगा, जिसमें से कई तरीके हैं लेकिन उनमें से एक तरीका हम लोग देख लेते हैं। जैसे रैंक ऑफ टी, देखो आप चाहे डिस्क्रिप्टिव भी आए तो पहले रैंक निकाल लीजिएगा तो उससे हमें एक आइडिया रहेगा कि इसकी कैसे होगा। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसका रेंज स्पेस हम निकालने जा रहे हैं, हालांकि उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर पूछा सिर्फ रैंक एंड नल्टी थी, नल्टी इज जीरो एंड रैंक इज टू, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी बट रेंज स्पेस भी पूछ ले। तो मैंने कल, सॉरी हमने कल कौन सा तरीका डिस्कस किया था, सिंपली समझिएगा, हमने कहा था कि आप रेंज स्पेस, जैसे कोई सेट है तो व्हाट इज द रेंज स्पेस ऑफ अ सेट, देन इट इज अ सेट ऑफ टी कॉमा टी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मीन्स वी के एलिमेंट्स का ट्रांसफॉर्म होता है जहां पर एक्स कॉमा वाई आर टू का कोई भी वेक्टर हो सकता है। अच्छा टी कॉमा एक्स कॉमा वाई, तो हमने कैसे कहा था, तो आप ले लीजिए कि लेट कुछ भी आप ले लीजिए, एक्स कॉमा वाई बी एनी वेक्टर इन आर टू, एक्स वाई आर टू का कोई भी वेक्टर है, तो हम जानते हैं, देखिए कैसे आपको करना है, आर टू की आप सबसे जनरल बेसिस जानते हो कि आर टू की सबसे जनरल बेसिस क्या है, वन कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वन। सो दिस बेसिस हाउ टू कैन जनरेट द अवर एलिमेंट्स, तो अगर एक्स कॉमा वाई आर टू का कोई भी एलिमेंट है तो x, जहां पर x क्या है, कोई भी स्केलर है, क्योंकि ये हम R2 का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये x ऐसा, आप देखिए है वही चीज लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि ये x इसी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिस एंड डायमेंशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है स्पैन वगैरह, तो दिक्कत नहीं होगी अगर वो नहीं आपने कायदे से पढ़ा है तो एक बार कोशिश कीजिए, और हम खुद कोशिश करेंगे कि इस चीज को बिल्कुल हार्टली रिलेट कर पाए। इस तरीके से आप x, y को लिख सकते हैं, यू कैन टेक ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड एंड अप्लाई द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी यू आर अप्लाइंग, टी ऑफ अल्फा इनटू वी वेयर अल्फा इज एनी स्केलर देन टी ऑफ वी, मींस टी ऑफ x वेयर x इज एनी स्केलर इनटू वेक्टर v इज इक्वल टू अल्फा, मतलब x को बाहर ले लीजिए और ट्रांसफॉर्म सिर्फ किस पे लगा दीजिए, 1, 0 प्लस y इनटू ट्रांसफॉर्म ऑफ 0, 1। नाउ प्रोसीड फर्दर, you can get it x comma y equals to t of 1 comma 0, how to you can find 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, to ye ho jayega x into 1 1 0 plus y into 0 comma 1 0 1
जीरो माइनस वन और वन। अभी आप देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट अ कॉन्क्लूजन। व्हाट कॉन्क्लूजन वी गेट? वी गेट अ कॉन्क्लूजन दैट टी ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स द एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी कैन बी जनरेटेड बाई दीज टू वैक्टर्स इन आर थ्री। इन दोनों वैक्टर्स से आप अपने रेंज स्पेस के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। दिस दैट मीन्स दीज आर द स्पेंस ऑफ आर थ्री एंड इफ दीज जनरेटर्स आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने कल बात की थी कि ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो ये हमारी आर रेंज स्पेस की बेसिस के एलिमेंट हो जाएंगे। ये हमारी रेंज स्पेस की बेसिस के एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखते हैं रेंज स्पेस की बेसिस में ये दोनों एलिमेंट आएंगे या नहीं। सॉरी अब देखिए बहुत ज्यादा आगे काम नहीं बढ़ाते हैं। आप सिंपली देख रहे होंगे कि एक में देखिए लास्ट कंपोनेंट जीरो है, एक में लास्ट कंपोनेंट कुछ है, तो आप इस वेक्टर से कभी इसको जनरेट नहीं कर सकते। बात समझे? क्योंकि आप यहां वन कभी नहीं ला सकते इस वेक्टर के थ्रू। और इस वेक्टर से आप अगर यहां जीरो बनाओगे तो सिर्फ एक तरीका है, आप जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ये जीरो 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 हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर को ये जनरेट नहीं कर सकता, इस वेक्टर को ये जनरेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बोथ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। सिंपली ये तरीका सब जगह पे लग जाएगा। तो ये दोनों रेंज स्पेस की बेसिस होंगे। और रेंज स्पेस को आप कैसे लिख सकते हो? तो रेंज स्पेस को आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिंपली आपको रेंज स्पेस लिखने को कह दें तो यही तरीका, जैसे लिखा है यही तो रेंज स्पेस है। टी ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमा वाई टाइप एलिमेंट सच दैट एक्स वाई इन आर, यही है आपका रेंज स्पेस। आगे बस समझे, द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज टू। व्हाई? बिकॉज इन द बेसिस ऑफ एलिमेंट इन द रेंज स्पेस आर टू। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस कितनी हो जाएगी? टू। हालांकि हम पहले ही निकाल चुके थे, ये तो यहां पर सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। तो रैंक ऑफ टी मतलब टू। सिंपली दैट ये एक मेथड है। इसके सिवा हम लोग कुछ जल्दी जल्दी के क्वेश्चन करेंगे और एक दो क्वेश्चंस लेंगे जिन पर डिस्क्रिप्टिव वो करें, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पार्ट्स देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।